वेलकम गाइड्स, आज मैं नंबर सीरीज के पार्ट टू को लेके आई हूँ, जिसमें हम और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थोड़े से टफ क्वेश्चंस करेंगे। पार्ट वन में मेरे थोड़े से इजी क्वेश्चंस थे, बट यहाँ पे हम थोड़े और ट्रिक के साथ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके मेरे फर्स्ट वीडियो से जो भी आपने सीख ली आप वीडियो पॉज करके सेकंड वीडियो के लिए सबसे पहले ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है वो ट्राई कर सकते हैं। देखते हैं कितना आप सीखे हो और कितना आप इसको कर सकते हो। ना मैं ऑप्शन ड्रॉप कर देती हूँ, फेस नहीं होता ना फिर करने का। चलो ना देखो, अभी हम देख सकते हैं कि डिफरेंस, बट मुझे यहाँ पे कुछ डिफरेंस कॉमन नहीं लग रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा डिफरेंस का, तो ठीक है। तो बट एक चीज़, हाँ एक चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम कुछ माइनस प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो अगर आप देखो इसको, तो ये 3 है और ये 15 है, यहाँ पे 63। अच्छा देखो, 3 यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या, तो 4 माइनस 1 3, ये है 15 यानी इसके अकॉर्डिंगली ये किसका होना चाहिए, ये 4 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 16 का स्क्वायर माइनस 1 इज 15, ओके। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 6 का स्क्वायर माइनस 1, डेफिनेटली इवन चल रहा है तो 6 का स्क्वायर आना चाहिए। बट कंफर्म करने के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। 6 के बाद हम किसका लेंगे, 8 का स्क्वायर माइनस 1, डेफिनेटली 63 आ रहा है यानी हमारी सीरीज सही जा रही है। 8 के बाद 10 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया 100 का माइनस 199, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही कहा, 36 माइनस 1 35, यानी हमारा आंसर क्या हुआ, 35, ठीक है। ऐसे हमें इस तरह से भी सोचना होगा कि किस तरीके से आपका जो है सीरीज है नंबर सीरीज हो सकता है। वैसे नेक्स्ट सीरीज ये है, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, डिफरेंस देख लेते हैं क्या रहेगा। इसका डिफरेंस रहेगा 4, ठीक है। इसका डिफरेंस आया आपका 8, तो इसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 4 8, या कुछ भी हो सकता है, 4 8 12 हो सकता है, 4 8 4 हो सकता है, या जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 2 8, 8 2 16, इस तरह से हो सकता है। ये हम बता नहीं सकते अभी इस पोजीशन में आके, तो हमें और आगे जाना पड़ेगा। इनका डिफरेंस आपको पता नहीं है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस आप पता लगा सकते हो। इन दोनों का डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस आप करके देखिए, ये आपको मिलेगा, ठीक है, ये आपको मिला 64। देखो गाइस, ये पहले वाली एक सिचुएशन आ गई, पहले भी ऐसा क्वेश्चन हमने फर्स्ट सीरीज में किया था, फर्स्ट आपके इसमें किया था, मैंने वीडियो में बताया था। तो अब देखते हैं कि ये यानी ये 4 into 2 8 हो गया, 8 into 2 16 और 16 into 2 32, इसका मतलब इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 15 और प्लस 16, यानी यहाँ पे जो आपका नंबर आएगा वो होगा 31, ठीक है। गाइस आपको चेकआउट करने के लिए कि आपने आंसर सही है या नहीं है, आपको पूरे के पूरे मेथड जो आप अप्लाई कर रहे हो उसको पूरी सीरीज पर अप्लाई करके देखना है, पूरी सीरीज पर अगर वैलिड है तो ही आपका आंसर वैलिड होगा, अदरवाइज आपका आंसर वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात का आप बेहद ध्यान रखें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 28 116 584 एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नाउ आपको ये बताना है कि आप क्या इसका आंसर रहेगा, ठीक है। सोचिए थोड़ा सा क्या इसका आंसर हो सकता है, एंड देन हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 मिनट ले सकते हैं आप सोचने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है ये, थोड़ा सा माइंड वो होगा। एनीवे जितना टाइम था आपने सोच लिया, अब मैं इसको आंसर आपको बता देती हूँ, ओके। देखिए इसका आंसर ये होगा, देखो गाइस बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है, वो मैंने बोलता है टिपिकल है क्या, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो क्या हो सकता है, यहाँ पे 8 है, यहाँ 28 है, ये किसी भी पहाड़ी में ऐसा नहीं है कि 8 के बाद 28 आई, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि क्या गैप है क्या गैप नहीं है। तो देखा जाए तो 8 किया 24 होता है, अगर 24 में 4 प्लस करते हैं तो आपको मिलता है 28, ओके। नेक्स्ट 28 दिया आप करके देखो तो कितना आएगा, 28 दिया 84 आता है, 84 में आप
मतलब कहीं ना कहीं कुछ कॉमन होना चाहिए, यानी आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें कॉमन होना चाहिए या फिर जो आप ऐड कर रहे हो उसमें कॉमन होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे 28 इंटू 3 तो नहीं चलेगा, आप यहाँ 28 इंटू 4 कर सकते हैं. 28 इंटू 4 अगर आप इसमें करते हैं तो ये हो जाता है 112 + 4. ठीक है, 112 + 4 किया तो यहाँ पे आ गया 116. यानी आपकी ये सीरीज फॉलो कर रही है, आप इस सीरीज से निकाल सकते हैं. ठीक है, तो यानी आप 116 × 5, ठीक है, 116 × 5 ये कितना होना चाहिए, 580 होगा, +4 = 584. ओके, तो इस तरीके से अब 584 × 6, ठीक है. नेक्स्ट क्या होगा, 584 × 6 प्लस में कितना होना चाहिए, ये 584 × 6 करके देखते हैं. ये आ गया 584 × 6, 3504, इसमें हम 4 ऐड और करेंगे तो 3508 आपके पास इसका सोल्यूशन आएगा, ये आपके पास आंसर आ गया. ओके, बहुत इजी होता है, कुछ भी टिपिकल नहीं है, बस आपको एक बार देखना कि हो. नेक्स्ट सीरीज है ये, ठीक है, चलो करके देखते हैं इसमें क्या होगा. 3 7 21, हाँ इजी है. देखो 3 2 6 + 1 7, ठीक है, 3 2 6 + 1 7. देखो ये 721 के पास आ रहा है, यानी 7 × 3 करना पड़ेगा, 21 + 2 = 23. ठीक है, इसका मतलब ये सीरीज फॉलो होगी 23 × 4, तो ये आपका हो जाएगा 23 × 4 हो गया आपके पास 92 प्लस आप 3 ऐड किया तो 95. ठीक है, तो 95 × 5 ये आपके पास जितना भी होगा उसमें प्लस 4 करोगे तो आपके पास इसका सोल्यूशन आएगा, ये आपके पास हो जाएगा 475. ठीक है, तो ये हो गया 479. गाइस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, बताइए कि क्या आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा. चलिए मैं ही सॉल्व कर देती हूँ इसको, क्या हो सकता है, मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा इस वीडियो में. ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए इसका सब डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों का डिफरेंस 5, इसका 20, इसका 80, इसका आपको मिल जाएगा 320. हाँ 320, अब नेक्स्ट का आपको पता नहीं कितना होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कोई सीरीज बन रही थी 5, 20, 80 और 320, नहीं बन रही है कोई सीरीज, तो कुछ ऐसा सिस्टम बिठाना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि क्या हो कि आपका जो आंसर है इसमें फिट आ जाए. तो मेरे हिसाब से देखिए 5 का अगर 1 का स्क्वायर किया जाए तो 5 आएगा. ठीक है, 5 × 1 का स्क्वायर 5, 5 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 × 4 = 4, 5 = 20. ठीक है, 5 × 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9, और 9 और कितना हो गया, ये 3 × 9 = 9, 3 × 9 = 10, ये नहीं आ रहा. तो हम कर सकते हैं, चलो 4 करके देख लेते हैं. ये 4 का स्क्वायर 4 = 16, 16 × 5 = 80. हाँ ऐसे आएगा, यानी आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, इवन लेना पड़ेगा. इवन के लिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 5 × 6 का स्क्वायर 36 × 5 कितना होता है, ये होता है 36 × 5, मान 30 की सुना चला 15 और 3 = 18, नहीं ऐसे भी नहीं आ रहा, 180 आ रहा है, गलत आ रहा है ये, अच्छा 6 नहीं आ रहा. तो ऐसा हो सकता है, देखिए गाइस ऐसा हो सकता है कि ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हुआ, तो यहाँ आना चाहिए आपका 8 का स्क्वायर. 8 का स्क्वायर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 320, देन यू गेट 320. इसका मतलब आपका जो नेक्स्ट है 2 × 2 × 2 करना है, तो यानी ये 5 × 8 का स्क्वायर की जगह पर मुझे 16 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिलेगी जो हो जाएगी मेरी, नेक्स्ट टर्म जो मेरी है ये टर्म मिलेगी मुझे. ठीक है, इसका ये डिफरेंस मिलेगा मुझे. ठीक है ना, इस डिफरेंस को मुझे किस में ऐड करना पड़ेगा, ये जो मेरा डिफरेंस है इसको मुझे ऐड करना पड़ेगा 427 में, तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी वहाँ की, जो कि क्या हो जाएगी 1707. ठीक है, जैसे
ऐसे क्वेश्चंस भी एसएससी जेई में आते हैं, तो कृपया अगर आप ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत टफ होते हैं और सबसे एक बार में निकलते नहीं है, वहाँ पे कुछ लोग इन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, बट आप ऐसे ही क्वेश्चंस ट्राई करते जाएंगे तो डेफिनेटली आप एक गेन पॉइंट गेन कर सकते हैं कि आप इसमें क्या है एक मार्क्स ज़्यादा ले लेंगे तो आपका जो स्क्वायर है वो बढ़ जाएगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा अडॉप्ट करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका गाइस बहुत ही थोड़ा यूनिक है। यूनिक इसलिए है कि अगर आप इसको देखो तो वो इसमें देखिए 5 है, ठीक है, 5 + 2 = 7। फर्स्ट टर्म जो है इग्नोर हो रही है, 5 + 2 = 7, 7 + 2 = 9, 9 और 16 को प्लस क्या 25, तो जो ये टर्म है नेक्स्ट टर्म उसमें 25 + 16 आना चाहिए, तब आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगा, ये मिलेगा 41, ठीक है, ये आपको नेक्स्ट टर्म इसमें मिल गया। गाइस आपको हर तरीके से इसको सोचना है कि किस तरीके से आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है और उसका क्या सलूशन हो सकता है, हर तरीके से आपको इसको सोचना बहुत जरूरी है, तभी आपके आंसर्स जो है सही सटीक निकलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2 × 8 = 16, 128, एंड क्वेश्चन कितना अच्छा लग रहा है देखने में, ऐसा लगता है कि अभी ही हो जाएगा आपसे। चलिए ट्राई करके देखिए, वीडियो पॉज करके देखिए क्या आपसे क्वेश्चन हो रहा है, इज इट इजी और नॉट, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, ठीक है। ओके, मैं ही इसको सॉल्व कर देती हूँ, मैं सॉल्व करके आपको बताती हूँ कि इसमें क्या होगा। आप देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, मैंने पहले क्वेश्चन में क्या करवाया था, 2 2 2 2 सबको, मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को लेकर, ऐसे जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनको ऐड करके नेक्स्ट टर्म बनी थी, बट यहाँ पे अगर आप ध्यान दो थोड़ा सा भी तो दो कंसेक्यूटिव टर्म को इनटू करके नेक्स्ट टर्म बन रही है, 2 × 8 = 16, 16 × 8 = 128, तो 16 × 128 का जो भी आंसर आएगा वो आपका नेक्स्ट टर्म हो जाएगा और वो होगा 2048, यानी नेक्स्ट टर्म आपकी यहाँ पे जो होगी 2048। हर एक डायरेक्शन में आपको सोच के चलना है कि आपको किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको कैसा इसका आंसर देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट आपके पास है गाइस, ये आपका नेक्स्ट सीरीज है, नेक्स्ट नंबर सीरीज है, इसको ध्यान से देखे और देखो, ये जो पार्ट टू सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग तरीके के आपको सीरीज मिल रही हैं, आप किस किस तरीके से और इन सीरीज को सॉल्व कर सकते हो, तो फिर ये जो सेकंड पार्ट है वो ज़रूर देखेगा और बहुत अच्छे से देखेगा, क्योंकि इन्हीं बेस पर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। तो अब मैं देखो यहाँ पे क्या बताने वाली हूँ, देखो ये जो फर्स्ट टर्म है, अगर आप इन फर्स्ट थ्री लेटर्स को 582 को इनमें ऐड कर देते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको जो मिलेगा वो ये हो जाएगा, सॉरी गाइस, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे घटते क्रम में है, तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये इससे बड़ा ही आपको आंसर मिलेगा, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे घटाना है ना कि ऐड करना है, तो आप अगर इन तीन टर्म्स को आगे रखकर फिर घटा दें तो आपके पास आ जाएगा 5 × 2 = 42। ओके अगेन 5 × 2 = 42 में से अगर आप 5 × 4 को घटा दें तो आपके पास नेक्स्ट टर्म बननी चाहिए, डेफिनेटली बननी चाहिए, तो वो बनेगी, ये हो जाएगा आपका 8174। आपके पास जो टर्म यहाँ पे आई 7418 आई, ठीक है, अगर मैं इसमें से 471 को घटाऊं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 7424 ये आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब सीरीज सही है, और सीरीज सही है तो ये आपका आंसर है इसका, और ये आंसर सही है, ठीक है। तो इन सीरीज को ध्यान से देखें, थोड़ी सी हटके हैं ये सीरीज, लेकिन पेपर में आती ही है, SSC RRB में पेपर में आती ही है। गाइस मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका मैं बता देती हूँ कि इसके अंदर आपको दो सीरीज एक साथ मिली है, ठीक है, ये जो दो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये RRB का क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दो सीरीज एक साथ है कंबाइंड, तो पहले सीरीज को अलग किया जाए, देखिए यहाँ पे पहली सीरीज है 45 47 49 के बाद 51
उसके बाद 53, ठीक है, ये पहली सीरीज हो गई। तो दूसरी सीरीज क्या हुई, 54 कॉमा 49, नहीं 56 देन कॉमा देन ये 57, ठीक है, ये हुआ। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पे तो इसमें पूछा ही नहीं है, पूछा तो ये वाला है कि ये कितना है, तो देखो 54 55 56 57, बहुत इजी होता है। बस आपको ये देखना है कि जो बहुत सारे नंबर दे देंगे तो हो सकता है उसके अंदर आपको दो सीरीज हो, दो सीरीज गिवन हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करना है। ओके ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको आता है जिसमें फ्रैक्शन दिया होता है, फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया होता है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, न्यूमिनेटर अलग और डिनोमिनेटर को अलग करके सॉल्व करेंगे। तो न्यूमिनेटर का देखा जाए तो न्यूमिनेटर का डिफरेंस देख लेते हैं कि कितने से डिफरेंस हो रहा है, ये 2, 4 टेस्ट पता नहीं हमें क्या है, 11 और 6, ठीक है, तो इसके बीच का डिफरेंस क्या है, 6 एंड इसके बीच का डिफरेंस 2 है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कुछ ऐसा होना चाहिए कि क्या हो, सॉरी ये है 5 not 6, दिस इज 5, देख लो भाई 16 में से 11 जाते हैं तो 5 ही आता है, 6 थोड़े आता है, ठीक है, तो ये इनका डिफरेंस 2 हो गया, तो डेफिनेटली इसका अगर 3 हो जाएगा, इसका डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस 3 हो जाएगा, इसका डिफरेंस 4 हो जाएगा, देन 5, तो सीरीज बन जाएगी। यानी ऊपर क्या है 2 2 2 से ऐड हो रहा है, तो ये क्या है यहाँ पे, इसमें मैंने 3 ऐड किया तो यहाँ पे 4 होते हैं, कितना होना चाहिए 7 आना चाहिए, ठीक है। अब नीचे देखो तो यहाँ पे इन दोनों की जो मैं यहाँ लिख देती हूँ 7 आना चाहिए। अब नीचे देखा जाए तो ये कितने से इंक्रीज हो रहा है, 4 से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे पता नहीं कितने से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पता नहीं कितने से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ कितने से हो रहा है 10 से, ठीक है। तो यानी बीच में कुछ ऐसा होना चाहिए कि क्या हो, जो 4 से लेकर 10 पे पहुंचे, तो अगर मैं इवन नंबर 4 6 8 10, ठीक है, इसका मतलब 4 में अगर मैं सर 7 में अगर मैं 6 ऐड करती हूँ तो मुझे यहाँ का न्यूमरेटर मिल जाता है, तो वो हो जाएगा 30, तो आपका आंसर ये हो गया। ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, प्लीज एंड प्लीज SSC CRRB जो आप क्लियर करना चाहते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चंस ट्राई करिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस हैं जो आपके डिफरेंस क्रिएट करेंगे दूसरों से। इजी क्वेश्चन सब कर सकते हैं, टफ क्वेश्चन सिर्फ आप कर सकते हैं मेरा वीडियो देख के। थैंक यू सो मच, मेरे वीडियो को एज मच एज लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों तक पहुँचाइए ताकि सब पढ़े सब खुश रहे। थैंक यू सो मच गाइज़।